हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजी फिल्मी नज़ारा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरमीत चौधरी की हॉरर फिल्म द वाइफ के बारे में। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजी फिल्मी नज़ारा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरमीत चौधरी की आने वाली नई मूवी द वाइफ के बारे में। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी फाइव रोमांटिक और एक्शन ड्रामा सीरीज के बाद अब हॉरर फिल्म लेकर आ रही है, जो कि एक कपल के बीच टूटते हुए रिश्ते में आने वाले ट्यूश की कहानी है। अर्बन हॉरर फिल्म द वाइफ 19 मार्च 2021 केवल जी फाइव पर स्ट्रीमिंग होगी। इस हॉरर फिल्म में गुरमीत चौधरी और नाई सायनी दत्ता एक विवाहित जोड़े के रूप में है, जो अपने नए अपार्टमेंट में रह जाने के बाद तुरंत एक पुरुषवादी भावना की उपस्थिति के कारण सबसे भयानक तरीके से अपने विवाहित जीवन को महसूस करती है। जब उनका रिश्ता टूटने के कगार पर होता है तो उन्हें एहसास होता है कि उन्हें न केवल अपनी शादी को बचाने के लिए बल्कि अपने जीवन की भी रक्षा करना होगा। जिस स्टूडियोज के सहयोग शारीरिक पटेल हमें बताते हैं कि जो चीज़ द वाइफ को अद्वितीय बनाती है वह उसकी शारीरिक सेटिंग है और अलैंगिक घटनाओं को पेश करने में तथा दृष्टिकोण की बात है, जैसा कि स्क्रीन पर पहले कभी नहीं देखा गया। अभिनेता गुरमीत चौधरी कहते हैं कि ये मेरी पहली सोलो लीड है और आप मुझे इस फिल्म में बिल्कुल नए अवतार में देखेंगे। पटकथा इतनी ताज़ा है कि फिल्म बेहद डरावनी का एक सटीक मिश्रण होगी, जिसमें हॉरर, एक्शन, रोमांस, ड्रामा और वह सब कुछ जिसकी अपेक्षा आप करते हैं। मैं जी टीम के साथ जुड़कर खुश हूँ और अपने आप में एक अलग तरह की फिल्म के लॉन्च के लिए हमारे दर्शकों के लिए बेहद उत्साहित है, डायरेक्टर सरमद खान ने कहा। द वाइफ फिल्म के साथ जब तक आप इसके अंतिम छोर पर नहीं पहुँच जाते तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सयानी दत्ता कहती है, मैं हॉरर शैली की बहुत बड़ी प्रशंसिका हूँ और ऐसी एक फिल्म में अपनी शुरुआत करना अब तक का सबसे रोमांचक एहसास है। इस तरह की अद्भुत फिल्म का हिस्सा बनने का पूरा अनुभव वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।